अस्सलामुअलैकुम मीडिया, आप सब खैरियत से होंगे। आपका एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आज सुबह सुबह हमारी छोटी बकरी ने ग्रिल के अंदर सरपंच आ लिया। मैं बाहर आया हूँ तो इसमें सरपंच आया हुआ तो बोल रही है खड़ी। ये सामने छोटी ग्रिल अपनी फंसा कैसे लिया इधर सर इसने। थानू ये सुकून है नहीं का सिर 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 फंसा के खड़ी हैं, हूँ बोलन रही हैं। देना इसकी दूसरी जो है जोटीदार वो खड़ी ऊपर देख रही है क्या कर रही है ऊपर। अंदर वाली साइड से इसका सर निकालते हैं इस साइड से। पहले जब हमारी बकरियां होती ना छोटी वो भी आज सरपंच आ लेती थी, आज इसने काफ़ी देर बाद इसने सरपंच आ लिया। आज कर थले सिर, हाँ थले लिया, चल ऐला भज, चल शैतान दी टूटी ना होए, ना दे दे खड़ी रहना सी तू दी। अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम हुआ है तो बकरियाँ भी अभी थोड़ी देर तक बाहर निकाल देंगे और इन्हें घास वगैरह डालेंगे। वो जो हमारा बुलेट बैठा हुआ है जानवर ने भी चारा खा लिया है, अभी इन्हें पानी पिलाएंगे तो जो बाकी बचा हुआ घास है वो खा जाएंगी। ये भाई इधर हमारी मुर्गियाँ सुबह सुबह शोर कर रही हैं, बतखें छड़ दई है तुहानू। चलो अभी मुर्गियाँ छोड़ ही देते हैं, सुबह सुबह दाने पड़े हुए हैं, दाने पे नहीं डालते, मुर्गियाँ छोड़ देते हैं। चलो आओ भाजो, अभी दरवाज़ा बंद है, गाड़ी थोड़ी देर घूमेंगे फिर इन्हें बाहर निकालते हैं बकरियाँ बांध कर। माशाल्लाह इस वक्त हमारी 6 बकरे हैं, तो एक चकोर, एक जोड़ा चकोरों का है और 3-4 मुर्गे हैं। लो भाई खुश हो गए, छाड़ दई। हमारा बुलेट जैसे ही मुर्गियाँ छोड़िया उनके साथ खेलने लग गया है, वो अपनी खेल में लग जाता है जैसे ही कोई चीज़ देखता है। ये बतखें दरवाज़े के पास पहुँच गई हैं, जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे ये बाहर निकल जाएंगी। जाओ हूँ फिर किधर पर यहाँ आनी हैं, बोलू ओ बोलो पर 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 चल चल। जानवर भी चारा छोड़ छोड़ खड़े हुए हैं, पानी पिलाएंगे, जो बाकी बचा हुआ घास है ये खा जाएंगे। तेरा की हाल और डर दिया क्या मोबाइल देखो तो। दरवाज़ा खोलते हैं, बकरियों को बाहर निकाल दें, बकरियां बाद में जाती रहेंगी। आ जाओ आ जाओ, आ आ आ आ आ आ आ भजाओ। चलो भाई दरवाज़ा खोल के इन्हें बाहर निकाल दें। देखो कैसे खुश हो रही हैं, बाहर जा रही हैं ना, किस तरह से खुश हो गई हैं। ये जी एक बतख पीछे रह गई है, भाग जा रही है। मुर्गे वाले कमरे के अंदर जो अंडे पड़े हुए हैं वो उठा लें जितने भी हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन ना ना उठाए ना 2 दिन पड़े रहें ख़राब हो जाते हैं। चलो भाई ये हमने बतख बैठाई होगी अंडों के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी बच्चे निकाल लेगी। ये अंडे पड़े हैं 3, बाकी कल उठा लिए थे जो कल वाले थे। इस तरह डेली बेस पे या दूसरे दिन हम अंडे उठा लेते हैं। ये जी हैं प्योर देसी अंडे। चलो 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 चलो, ये दाने खाने के लिए आती हैं, अंदर दाने पड़े होते हैं ना तो वो खाती हैं आकर। सुबह तक तो हमारी बतख के बच्चे नहीं थे, मैं अभी दोपहर का टाइम देख के आया हूँ तो हमारी बतख ने बच्चे निकाल लिए हैं, तो उनके लिए अभी उन्हें दलिया वगैरह डालना है, वो छान लूँ आटा ताकि अलहदा हो जाए, ब्री ब्री होता है ना ये, इस तरह से छान के उन्हें जाकर देते हैं, फीड कराते हैं, साथ थोड़ा सा पानी रख देंगे। कल इंशाल्लाह उन्हें पानी में हम छोड़ेंगे, बच्चों को छोटे छोटे भागते फिरेंगे। ये भाई दलिया हमारा हो गया छान। ये हम पानी ले आए हैं, तो मैंने कहा छोटी चीज में क्या पानी रखना, आज ही छोड़ देते हैं, नहाए तो सही साथ पानी पिएंगे। हाय हाय, ये भी बच्चे बाहर बैठे हुए हैं छोटे छोटे प्यारे, काफी प्यारे हैं। हाँ किया
बच्चा भी खिला पिला ला बैठी उ फिर आके बह गई। माशाल्लाह प्यारे बच्चे हैं। ना टॉप कि कर दी जा चलो छोटे अभी दो तीन बीचो काफी ये माशाल्लाह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बच्चे निकल आए हैं और अभी हाफ अंडे पड़े हुए हैं देखो कितने निकलते हैं कल तक उम्मीद है कि काफी हद तक निकल आएंगे। चलो भाई हरे हरे चलो खाओ पियो खड़ाला नाल बैग दा ये भी ऊपर चढ़ के बैठ गया है अभी इन्हें खाने का नहीं पता चल रहा किस तरह से खाना है ऐसा ऐसा खाना शुरू करने के बतख ही नहीं खा रही अंदर ना अंडों की तरफ देख रही है अभी दरवाजा हमने बंद किया है कि खा वगैरह लें पर नहीं खा रही अभी। खाला खाला मुर्गी ने चट खाओ खाओ आज हमारे बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं है पानी में भी नहीं हमने छोड़ा क्योंकि काम पर रहे थे पहले मैंने कहा छोड़ दें तो हम कल इन्हें छोड़ेंगे उम्मीद है आपको हमारे बच्चे पसंद आए होंगे काफ़ी प्यारे हैं तो आज कल लोग यहीं पे करते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दो में अल्लाह हाफिज और खाल वो कुछ में तो उन तक ये आ